शुरुआत जी नेचुरोपैथी चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से बदलापुर की चर्चा बहुत हो रही है। बदलापुर के नाम पर एक फिल्म भी आई थी और बदलापुर के नाम पर एक चर्चा हो रही है कि जहां बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। कैसे कर लेते हैं लोग, कैसा सोच लेते हैं लोग, ये दरिंदे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन दरिंदों को माफ़ी नहीं है, इन दरिंदों को कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये अपराधी पकड़े जाते हैं और ये तय हो जाता है कि इन्होंने ये अपराध किया है, इन्होंने बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया, तो इनको सजा, इनकी सजा डायरेक्ट, इनको डेथ हो जानी चाहिए। कोई कानून नहीं कहता कि आप इसको लीजिए, छोड़िए, बनाइए, सुनेंगे, बनेंगे, कुछ नहीं। ये कन्फर्म हो गया कि अगर इसने बुरा कर्म किया है तो इसके ऊपर एकदम डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखें। घर से जब बच्चे निकलते हैं ध्यान रखें, कौन बैड टच, कौन अच्छा टच, कौन बुरा टच कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ अकेले अपने बच्चों को मत छोड़ें। आपका सगा भाई भी हो बिल्कुल विश्वास मत करें। आज का युग बदल चुका है और ये तो माया नगरी है, मुंबई तो माया नगरी है, यहाँ तो वैसे ही सारे राक्षस हैं। आप देखेंगे कि यहाँ कितने हिंसक घटनाएं, और इसके पीछे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि आप देखिएगा, कलकत्ता हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उदयपुर में हो रहा है, ये प्लान लगता है ऐसा कि जैसे किस तरह से देश के अंदर दंगा किया जाए, इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं कि लोग सड़कों पर उतर जाएं और लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अब देखिए ना कि मतलब शिकार कौन है, सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट क्या है, छोटी बच्चियां, आपने उन्हीं के ऊपर हाथ उठा रखा है, उन्हीं को आपने सोच रखा है। बच्चों भाई, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए माँ बाप से बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ जाएं, बच्चों के साथ आएं, स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों के साथ जाएं, गाड़ी में बच्चों को बिठाते हैं तो अपना ध्यान रखें। कोई भी आदमी हो, अगर वो बेड टच करता है तो उसको उसका विरोध होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान देती है, ऐसा तो है नहीं घर घर जाके सरकार हर किसी को देखेगी। उसके नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपना ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने समाज का ध्यान रखे। आसपास में अगर आपको कोई ऐसी घटना दिखाई देती है, आसपास में आपको लगता है कि कहीं कोई गलत हो रहा है, तो आप उसका विरोध करें, क्योंकि चुप रहने वाला भी अपराधी होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि अपनों का ध्यान तो सभी रखते हैं लेकिन जो पराये का ध्यान रखे वो कमाल होते हैं। तो पराये का ध्यान भी रखना चाहिए, बच्चे सभी के बच्चे होते हैं, वो छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, आप ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपराधियों से बच के रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।